सर्कल का डेफिनेशन पहले सुन लें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जब कोई भी हम लोग कर्व पढ़ते हैं ना, तो उस कर्व का डेफिनेशन जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स, लोकस मतलब पाथ, ट्रेस आउट के लिए एक शब्द है लोकस। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स विच मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी जब भी एक सर्कल का बात होगा तो कोई एक फिक्स पॉइंट होगा जिससे कि उस कर्व पे लाई करता हुआ हर पॉइंट का दूरी बराबर होगा। उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं उस सर्कल का सेंटर, और उस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं सर्कल का रेडियस। यानी अब हम जब भी कहेंगे कि एक सर्कल बनाइए, तो हम आपको बताएंगे कि उसका सेंटर कहां रखना है। जैसे हम इस बोर्ड पे एक पॉइंट बना दिए और कहे कि एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर होना चाहिए यहां पर और उसका रेडियस होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो इसी फिक्स पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जितना भी पॉइंट्स आप खोज सकते हैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, उन सभी को खोज खोज के और स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बना दिए, यहां एक सेंटर है, ये एक रेडियस है। हम इस सर्कल का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम एक रेफरेंस फ्रेम इसी प्लेन में एक क्रिएट कर रहे हैं। हम उसी सर्कल के सेंटर पे अपना ओरिजिन और वहां से पास करता हुआ टू विचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस बोल रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर हो गया ओ, हम अपना ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वहीं पे चुने हैं और सर्कल का रेडियस स्मॉल ए। हमको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। एक्स वाई प्लेन में हम कोई भी कर्व बनाते हैं, कर्व एक्चुअली कई छोटे छोटे पॉइंट्स का समूह होता है। एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। जब हम कहेंगे कि हम इस कर्व का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, एक्चुअली में हम एक रिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन है, एक पॉइंट अगर एक्स टू वाई टू है, तो एक्स वन वाई वन में जो संबंध है, एक्स टू वाई टू में जो संबंध है, सेम संबंध होगा। और एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस कर्व, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक रिलेशन बिटवीन दीज पेयर ऑफ नंबर्स। उसी संबंध को हम लोग ढूंढते हैं, उस संबंध को कहते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व। जैसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाए जिसका एक्स इंटरसेप्ट है 3, वाई इंटरसेप्ट है 2, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स वाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 1। यानी जितना भी पॉइंट्स होगा इस स्ट्रेट लाइन पे, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसी संबंध से बंधा होगा। कोई भी पॉइंट इस पे ले ले, अगर उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे दें 2 और पूछें कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या, तो वो निश्चित रूप से इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता होगा। यानी आप एक्स के जगह 2 डाल दीजिए तो वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का निकल जाएगा। इन्फिनाइट पॉइंट्स है यहां, इनमें से कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जितना भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करता है वो सब का सब कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसा ही इक्वेशन हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब भी हम कोई भी कर्व बनाते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो हम उसका इक्वेशन ढूंढना चाहेंगे। जैसे अब इस सर्कल का हम इक्वेशन ढूंढना चाहते हैं, सर्कल का सेंटर हमारे ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है और सर्कल का रेडियस ए। कैसे ढूंढते हैं किसी भी कर्व का इक्वेशन? हम पहला काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी आपको हम एक बार याद दिला दें,
अगर हम कहें कि इस लाइन का इक्वेशन ढूंढिए, ढूंढने का तरीका ये है कि आप इस लाइन पे कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लीजिए एच कॉमा के, आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक 3.0 और एक 0.2। अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता है अगर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके अगर आप स्लोप निकालें तो k-0/h-3, और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के आप स्लोप निकालें 2-0/0-3। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो स्लोप सेम होना चाहिए, अगर ये पॉइंट बाहर में कोई होता तो ये स्लोप और ये स्लोप सेम स्लोप नहीं होता। तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे होगा कहीं भी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बस हम h की जगह x लिख देना है और k की जगह y, आपको इस कर्व का इक्वेशन तैयार हो गया। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग किसी भी कर्व का इक्वेशन। शुरू करते हैं लेट कैपिटल P h कॉमा k बी सम आर्बिट्ररी पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, और फिर कोशिश करते हैं h और k में संबंध ढूंढने का, और अंत में एच के जगह एक्स और के की जगह वाई डाल देते हैं। तो हमको अगर इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, अब सर्कल का मतलब क्लियर है, जब हम कह रहे हैं कि ये सर्कल बनाए हैं उसका मतलब है कि इस पे कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले से एच कॉमा के, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी इक्वल टू होना चाहिए ए, यही है सर्कल का डिफरेंस। जो विद्यार्थी इस बात को रियलाइज कर गया, आगे बस एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या लैंग्वेज ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सोफिस्टिकेटेड नाम है उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब एक भाषा है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। जैसे आप ये एक स्टेटमेंट लिख दिए, ये डेफिनेशन है सर्कल का, ये उसका ज्योमेट्री है, अब जो लिखेंगे दैट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओ का कोऑर्डिनेट 0-0 है, अब पी का कोऑर्डिनेट एच के है, ओ से पी का जो दूरी है x1-x2 का स्क्वायर प्लस y1-y2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू ए। एवरी पॉइंट विच लाइज ऑफ दिस कर्व विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, and any point which does not lie on this curve will not satisfy this equation। यहां कोई point होगा तो उसका दूरी origin से a के बराबर नहीं होगा, या यहां पे कोई point होगा तो वो भी इसी condition को satisfy नहीं करेगा। सिर्फ ये सब points ही इस condition को satisfy करेगा। हम दोनों तरफ square करके थोड़ा handsome बना दें, हो गया। एच और के में संबंध आप ढूंढ लिए, अब आप लास्ट में एच के जगह एक्स और के की जगह वाई डाल दीजिए, आपको निकल गया इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। अब हमेशा के लिए हम लोग याद करिए, कभी भी एक सर्कल हो जो हमारे एक्स वाई प्लेन में उसका सेंटर मेरे ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा हो और उसका रेडियस ए हो, तो हम तुरंत उसका इक्वेशन लिख लेंगे। अगर सर्कल का सेंटर हमारे रेफरेंस फ्रेम में मेरे ओरिजिन से कंसाइड नहीं कर रहा हो, किसी अन्य स्थान पे हो, से अल्फा कोमा बीटा, ए रेडियस का ही सर्कल लेकिन मेरे रेफरेंस फ्रेम में उसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा पे है सेंटर, अब इसका एक क्वेश्चन क्या होगा? हम लोग ऑलरेडी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं ग्राफ स्केचिंग के समय, कि अगर कोई एक कर्व है जिसका इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, अगर इसी कर्व को हम ट्रांसलेट करके पूरे कर्व घसका दें, सम यूनिट्स टू द राइट एंड सम यूनिट्स अप, अल्फा यूनिट्स राइट एंड बीटा यूनिट्स अप घसका दिए, यानी अब कोई भी पॉइंट जो इस कर्व पे था पहले मेरे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स अगर h कॉमा k था, अब वही पॉइंट शिफ्ट होकर के चला गया है
अब उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया है h प्लस अल्फा कॉमा k प्लस बीटा। अब मेरे इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस कर्व का इक्वेशन क्या निकलेगा? अगर इस कर्व का इक्वेशन f ऑफ x कॉमा y बराबर शून्य था, तो इस ट्रांसलेशन के कारण जो इसके इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो है x के जगह खाली x माइनस अल्फा और y के जगह y माइनस बीटा डाल देना है। द रिलेशन रिमेन्स द सेम। जैसे अगर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हम बनाए हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सम स्लोप, अगर ये अल्फा एंगल से इंक्लाइन है x एक्सिस से, इसका स्लोप tan अल्फा हुआ, इस लाइन का स्लोप हो गया अगर m मान लें tan अल्फा को, इक्वेशन हो गया y बराबर mx। अगर इसी लाइन को हम शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स राइट बाई 2 यूनिट्स, अब इसी लाइन का इक्वेशन y बराबर m टाइम्स x माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देते से बाय 3 यूनिट्स इसी को, तो हम y माइनस 3 बराबर m टाइम्स x, जैसे यहां पे हम किए हैं। इसी सर्कल को हम अपने रेफरेंस फ्रेम में यहीं बैठे रहिए, आप इमेजिन कीजिए ओरिजिन पे बैठे हैं, इसको शिफ्ट करके अब सेंटर को हम यहां ले गए, x एक्सिस के लॉन्ग हम घसकाए हैं अल्फा यूनिट्स और y एक्सिस के लॉन्ग बीटा यूनिट्स पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ। तो इस ट्रांसलेशन के कारण जो इसके इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा x माइनस ट्वाइस बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो, सर्कल का इक्वेशन का हम शक्ल दिखाना चाहते हैं कि इन जनरल कैसा इक्वेशन दिखने में लगता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कई तरीकों से निकाले, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 और वहां से कहे कि पास करता है एक लाइन स्लोप n का, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखे y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस h। एक दूसरा केस लिए हम लोग 2.4, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 x2 y2, लाइन का इक्वेशन लिखे फिर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर, तरह तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे और हर बार हम लोग नोटिस किए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस शक्ल का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन अगर हो तो उसको हम लोग लीनियर रिलेशन बोलते हैं इन एक्स एंड वाई, कैपिटल एल एक्स कॉमा वाई, इस तरह से हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी डिनोट करते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लीनियर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जब हम सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं तो सर्कल के इक्वेशन में हम देखना चाहते हैं कि एक्स और वाई में किस तरह का संबंध है। दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, इस शक्ल का दिख रहा है एक सर्कल का इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, कैपिटल एस सिंबल से हम एक्सप्रेस करेंगे इस एक्सप्रेशन को, हम कैपिटल एस एक्स कॉमा वाई बोला करेंगे। अलग अलग सर्कल के लिए ये एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, जैसे ये एक्सप्रेशन अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग होता है। कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x plus 2y minus 1 बराबर 0, तो हम उस लाइन का इक्वेशन कहेंगे L1 x y बराबर 0, लाइन का इक्वेशन है। कोई एक और लाइन होगा जिसका इक्वेशन x minus 5y plus 7 बराबर 0 होगा, तो हम उस लाइन का इक्वेशन कहेंगे L2 x y बराबर 0। L1 x y किसको बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, इस लीनियर एक्सप्रेशन को L1 नाम से पुकारा। इक्वेशन तो तब होगा जब हम इतना बराबर जीरो लिखे। उसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स का जब इक्वेशन हम आपको देंगे लिख के, तो सर्कल का इक्वेशन सब देखने में ऐसा ही लगेगा, सम सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग। इसमें जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इस टर्म का पावर है टू, इस टर्म का पावर है टू, इस टर्म का पावर है वन, वेरिएबल
का पावर, इसका वन, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो सभी टर्म्स में सबसे अधिक पावर वाला जो टर्म होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन दिख रहा है सर्कल का इक्वेशन। किसी भी सर्कल का इक्वेशन जब आपको हम देंगे तो हम इस तरह से लिख करके नहीं देंगे, इस तरह से लिख करके देंगे एकदम साफ दिखेगा आपको। अगर हम एक ऐसा इक्वेशन लिख के आपको दें x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम एक सर्कल का इक्वेशन लिखे हैं जिसका सेंटर है वन कॉमा माइनस टू, एक्स कोऑर्डिनेट वन वाई कोऑर्डिनेट माइनस टू सेंटर, और उसका रेडियस है थ्री। यहां से ओरिजिन का दूरी है रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर विच इज रूट फाइव, वो थ्री से छोटा नंबर है 2.2 समथिंग, यानी जो सर्कल बनेगा वो इतना बड़ा सा बनेगा। अगर यहां जो हम रेडियस देते वो रूट फाइव का स्क्वायर लिख देते या सिर्फ फाइव लिख देते तब वो सर्कल बनता एग्जैक्टली ओरिजिन से पास आता इस तरह से। और अगर हम रूट फाइव से छोटा नंबर दे देते टू स्क्वायर तब सर्कल इस तरह से बनता ओरिजिन को कट नहीं करता और वो एक्स एक्सिस को टच करता क्योंकि ये दूरी टू है और रेडियस टू है और ये वन है रेडियस टू है तो वो वाई एक्सिस को दो जगह कट करता और एक्स एक्सिस को टच करता। अगर हम वन दे देते वन स्क्वायर तो वो जस्ट वाई एक्सिस को टच करता इस प्रकार, और वन से भी छोटा दे देते से वन बाई फोर वहां लिख देते तो वो ऐसा सर्कल बनता। इसी क्वेश्चन को देखते ही आप सर्कल का चित्र बना लेते। इस रूप में जब सर्कल का इक्वेशन लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हम हमेशा इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन प्लस फोर प्लस फाइव माइनस नाइन यानी माइनस फोर इक्वल टू जीरो सर्कल का इक्वेशन इस रूप में देंगे, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस फॉर्म से उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें क्योंकि जब तक करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि एक सर्कल है सेंटर्ड एट वन कॉमा माइनस टू एंड हैविंग रेडियस इक्वल टू थ्री। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यहां पे ये नोटिस करने वाला है कि जब भी हम आपको एक सर्कल का इक्वेशन देंगे जनरल फॉर्म में तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एग्जैक्टली वन वन होगा नहीं ये जरूरी नहीं है, दोनों सेम होगा ये जरूरी है क्योंकि हम इसी सर्कल के इक्वेशन को अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने से थ्री से थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस ट्वेल्व, तो ऐसा करने से ये नया कर्व नहीं बनेगा, ये वही सर्कल का इक्वेशन है। कैसे? जब आप इसका चित्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मान लीजिए एक पेयर ऑफ नंबर्स है एक्स वन कॉमा वाई वन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस एक्सप्रेशन का नाम हम रख दें एस एक्स कॉमा वाई इक्वल टू इतना। तो अगर एक्स वन वाई वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी एस एक्स वन वाई वन का वैल्यू हम कहना चाह रहे हैं कि शून्य है, यानी इस सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन में आप जब डालें एक्स की जगह एक्स वन वाई की जगह वाई वन तो उसका वैल्यू शून्य आ गया। अगर शून्य नहीं होता तब इसका मतलब कि वो पॉइंट उस सर्कल पे लाइक नहीं करता। हम एक जोड़ा नंबर दे दें आपको फाइव कॉमा माइनस थ्री और कहें कि जरा चेक करके बताइए कि वो इस सर्कल पे लाइक करता है कि नहीं, तो आप एस फाइव कॉमा माइनस थ्री का वैल्यू निकालेंगे। इसको हम एस एक्स कॉमा वाई नाम दिए हैं। एस फाइव कॉमा माइनस थ्री का मतलब एक्स के जगह पांच वाई की जगह माइनस थ्री डालेंगे और नंबर लाएंगे। अगर वो जीरो आ गया इट मीन्स वो पॉइंट सर्कल पे है, नहीं आया तो वो सर्कल के बाहर होगा अंदर होगा पर सर्कल पर तो नहीं होगा पक्का।
तो मान लीजिए कि एक पॉइंट है x1, y1 जो इस सर्कल पे लाई करता है, हम दिखाना चाहते हैं कि वो पॉइंट इस सर्कल पे भी लाई करेगा। डालिए इसमें x1, y1, क्योंकि ये इक्वेशन थ्री टाइम्स दिस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, थ्री टाइम्स एस एक्स कॉमा वाई है। दिस एक्सप्रेशन को हम एस प्राइम कहें तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स दैट एक्सप्रेशन। तो आप एस प्राइम एक्स वन कॉमा वाई वन का वैल्यू निकालिएगा तो वो इक्वल टू होगा थ्री टाइम्स एस एक्स वन वाई वन जो कि जीरो है। यानी कि अगर एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इसको भी करेगा। यानी हम साबित किए हर वो पॉइंट जो उस पे है वो इस पे है। यानी हम साबित किए कि ये दोनों कर्व सेम कर्व है, दे आर नॉट टू डिफरेंट कर्व्स। थ्रू आउट कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से कर्व नहीं बदलता है, इट स्टिल रिमेंस द सेम। तो जब भी आपको एक सर्कल का इक्वेशन हम देंगे तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा। जरूरी नहीं है कि हम वन दें, आप इसको थ्री से डिवाइड कर लीजिए आपकी मर्जी, या जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। हम यहां पे लिख दें हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई फोर एक्स प्लस फाइव बाई टू वाई माइनस नाइन बाई टू बराबर जीरो। इसको थोड़ा हैंडसम बनाने के टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमेशा ये काम करना ही चाहिए। हमको ये सीखना है कि अगर हमको कोई एक सेकेंड डिग्री रिलेशन दे दे तो इसको देखते के साथ हम तुरंत बता दें कि ये सर्कल है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बता दें और उसका रेडियस बता दें। कैसे बताएंगे? यानी हम सर्कल का इक्वेशन आपको देंगे जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस, इसी को जनरल फॉर्म बोलते हैं सर्कल के। यानी अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो भी तो उसको थ्रू आउट डिवाइड करके उसको वन बना लेंगे। अगर हम सर्कल का इक्वेशन ऐसा लिखें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, थ्री से डिवाइड कर लीजिए, पहला स्टेप कर लीजिए ताकि अब ये जनरल फॉर्म इसी को। हमको सिखाना है कैसे इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर बराबर समथिंग स्क्वायर। ये मुश्किल नहीं है, एक्स स्क्वायर और टू जी एक्स को लेकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, उसको हम x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर चेक कर लीजिए। इसको एक्सपेंड करके देखिए, इतना प्लस इतना को कंबाइन करके हम इतना लेंगे, इतना प्लस इतना को कंबाइन करके हम लिख दे रहे हैं y प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस c x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल्स g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब आप कंपेयर कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे। अब आपको तुरंत दिख जाएगा इस सर्कल का रेडियस कितना है और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना है। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसका रेडियस है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी हम लोग याद कर लेंगे हमेशा के लिए इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स याद करते हैं। एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इसका आधा मल्टीप्लाइड बाई माइनस, और रेडियस है रूट अंडर इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट है। एक बार चेक कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, सर्कल का सेंटर। हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जरूरत नहीं। माइनस तीन बटे दो माइनस पांच बटे दो और रेडियस रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सात।
ये 9 प्लस 25 इट इज 34 बाय 4 प्लस 7 रूट अंडर प्लस 7. अगर हम प्लस 9 लिख दें, अब रेडियस निकाल के देखते हैं, यहां माइनस 9 रूट 34 बाय 4 माइनस 9. अब ये इमेजिनरी नंबर हो गया, 9 इंटू 4 36, 34 माइनस 36 इज माइनस 4, इमेजिनरी नंबर हो गया. यानी अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. पूरे एक्स वाई प्लेन में एक भी पॉइंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग. अगर हम यहां पे नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, 2x प्लस 6y प्लस 17 लिख दें और पूछे कि व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो आपको देखते के साथ पहला बात समझ में आ रहा है कि ये सर्कल होगा. तो आप तुरंत इस सर्कल का सेंटर और रेडियस खोज के हमको बता दीजिए. सेंटर हो गया माइनस 1 कॉमा माइनस 3 और रेडियस हो गया रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 17. तो आप तुरंत बताएंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं इसको. मतलब कि कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अगर हम यहां पे एग्जैक्टली 10 लिखते हैं, 9 प्लस 1, अब पूछे कि रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो r का वैल्यू आ गया 0. तो अगर r का वैल्यू 0 आ गया, यानी 0 रेडियस का एक सर्कल, सेंटर माइनस 1 माइनस 3, इसका मतलब समझना जरूरी है. माइनस 1 कॉमा माइनस 3 एक पॉइंट है और 0 रेडियस का सर्कल मतलब यही पॉइंट. तो अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला देयर इज ओनली वन पॉइंट, माइनस 1 कॉमा माइनस 3. इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा. समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है. x चाहे कुछ भी डालिए नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इसमें y कुछ भी डालिए ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है. तो दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकता है. दो नंबर का सम 0 ये कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर, या दोनों 0 हो. तो अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक ही स्थिति में संभव है, अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 हो. यानी एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x बराबर माइनस 1 एंड y बराबर माइनस 3. तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल. पॉइंट सर्कल मतलब 0 रेडियस का सर्कल. सो देयर आर थ्री सिचुएशंस हियर. एक रियल सर्कल जब रेडियस एक रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी सर्कल जब रेडियस एक इमेजिनरी नंबर आएगा, और पॉइंट सर्कल जब रेडियस 0 आएगा. अब ये याद कर लिए हम लोग. इस इक्वेशन को देखते के साथ हम बता देंगे कि एक सर्कल है, सेंटर इतना, रेडियस इक्वल इतना. अगर हम एक सर्कल का इक्वेशन दे दिए जनरल फॉर्म में ये, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें एक्स वन कॉमा वाई वन. क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, सर्कल का इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है. आपको पता लगाना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर में है, इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल पर है. ऐसा स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पढ़े थे. कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर देते हैं और कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर कि नीचे की लाइन पर. तो इसका क्या तरीका हम लोग सीखे थे, कैसे पता लगाएंगे कि इस लीनियर एक्सप्रेशन में x1 y1 पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ y से, और इसके साइन को देखिए. अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर है, नेगेटिव आता है तो नीचे है, अजीरो आता है तो लाइन पर है. यानी हम चेक करें, हम एक इक्वेशन दे रहे हैं 3x minus 5y minus 11 equal to 0.
कोई एक स्ट्रेट लाइन, इसका चित्र भी हम बना सकते हैं। चित्र बनाने के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लोकेट करना पड़ता है। x बराबर 0 डाल दीजिए तो y बराबर 11/5 और y बराबर 0 डाल दीजिए तो x बराबर -11/3 और इस तरह से ज्वाइन कर दें, यही लाइन है। और हमको ये पॉइंट दे रहे हैं -5/7, -11/2 इधर कहीं। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि नीचे है पता लगाना है, तो आप इस लीनियर एक्सप्रेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डाल दें, 3 × -5/7, -5 × -11/2, +11 और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए y के कोएफिशिएंट से। अब बस इसके साइन को चेक कीजिए, अगर ये पॉजिटिव नंबर अगर आता है तो आप कंक्लूजन होगा कि ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर है, नेगेटिव आता है तो इसके नीचे। एक और तरीका, जो भी लाइन का इक्वेशन हम दे रहे हैं उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, यानी y बराबर mx+c फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे इस लाइन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे y बराबर 3/5 × x + 11/5, 5y ऐड कर दिए, 5 से डिवाइड कर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब इस लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लिखते हैं y > 3/5 x + 11/5, ये डिटेल। और इस लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, और इस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से बड़ा होगा और उसके नीचे है तो बड़ा स्मार्ट तरीका। तो जिस पॉइंट के बारे में भी आप कहना चाहते हैं उसका x कोऑर्डिनेट को डाल के 3/5 × x कोऑर्डिनेट + 11/5 का वैल्यू निकाल लीजिए और इस संख्या को तुलना कीजिए उसके y कोऑर्डिनेट से। अगर y कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ है -11/2, अगर ये संख्या इससे बड़ा हो तो उसका मतलब है कि वो पॉइंट ऊपर है, अगर ये संख्या इससे नीचे छोटा है तो नीचे है, और अगर बराबर है तो लेंथ है। दिस इज अदर वे। तो हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन में सीखे थे वैसे सर्कल में भी हम लोग एक ऐसा ही सिमिलर एक कंडीशन निकाल के रख लेना चाहते हैं हमेशा के लिए, कि अगर हमको कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1 और कोई सर्कल का इक्वेशन आप पूछे कि वो पॉइंट इस सर्कल के बाहर है कि अंदर है, इस सर्कल पे है तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सरल है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन दिया है, अब जब भी हम बोलेंगे सर्कल का इक्वेशन दिया है तो आप मान लेंगे ऐसा कुछ, हम लोग उसी के लिए डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो इसका सेंटर हो गया -g, -f और इसका रेडियस हो गया √g² + f² - c इस सर्कल का। तो अगर ये पॉइंट इसके बाहर होगा तो c से उस पॉइंट का जो दूरी है वो निश्चित रूप से रेडियस से बड़ा होगा, ये बाहर होने का कंडीशन निकाल रहे हैं, अंदर होने का कंडीशन है लेस देन, यानी कि c से p का जो दूरी है वो x1 + g² + y1 + f² √√g। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से -g - f और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से x1, y1। तो डिस्टेंस फार्मूला से c से p का दूरी लिखे और अगर वो पॉइंट बाहर है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी ये सत्य होना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करें हम लोग, एक्सपेंड करें तो x1² y1² g² f² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g x1 + 2f y1 + c > 0, उधर माइनस सी था दोनों तरफ ऐड कर दिए प्लस। ये हम कंडीशन निकाले हैं, अगर ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है तो उसका कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसको जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, ये जो सर्कल का जो सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन था यही तो था। इसी एक्सप्रेशन में अगर आप x के जगह x1 डाल दें और y के जगह y1 तो
तो इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं एस एक्स वन कॉमा वाई वन ग्रेटर देन जीरो। और अगर उसका वैल्यू जीरो आता है तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि वो पॉइंट सर्कल पर लाई करता है। अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉइंट बाहर है, और नेगेटिव नंबर आता है तो पॉइंट अंदर है। कंडीशन तैयार हो गया, हम लोग इसको हमेशा के लिए भी याद कर रहे हैं। जैसे हम कर आपको कोई सर्कल का इक्वेशन देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस 11। अब आपको हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं माइनस थ्री बाई फाइव कॉमा फाइव बाई नाइन, कोई आर्बिट्ररी से आपको बताना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है कि सर्कल पर है। तो आपको सिर्फ इस नंबर को x के स्थान पे और इस नंबर को y के स्थान पे यानी s माइनस तीन बटे पांच कॉमा पांच बटे नौ का वैल्यू निकालना है। s x कॉमा वाई हम इसको बोल रहे हैं, s माइनस थ्री बाई फाइव कॉमा फाइव बाई नाइन का मतलब डालें माइनस थ्री बाई फाइव का स्क्वायर फाइव बाई नाइन का स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री बाई फाइव माइनस फाइव टाइम्स फाइव बाई नाइन माइनस 11। अब इसका वैल्यू निकालना होगा। अगर ये जीरो आ गया मतलब कि वो पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है, पॉजिटिव आ गया मतलब बाहर है, नेगेटिव आया तो अंदर है। ये हम लोग सीख लिए और याद कर लिए। एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, कोई एक पॉइंट दिया है x1 कॉमा वाई वन सर्कल के बाहर और सर्कल का इक्वेशन दिया है मतलब ऐसा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बना लीजिए। अगर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस 11 लिखा है तो पहले टू से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया। रिलेटिव पोजिशन कैसे निकालेंगे, रिलेटिव पोजिशन ऑफ पी एक्स वन कॉमा वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। तो हम सीखे हैं कि एस एक्स वन वाई वन का वैल्यू निकाल के और खाली उसका साइन लिखना है, ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो, थ्री केसेस। यहां निष्कर्ष निकलेगा पी लाइज आउटसाइड आउटसाइड एस, पी लाइज ऑन एस एंड पी लाइज इनसाइड। उसी तरह से हम एक और फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अगर हम कोई पॉइंट देंगे सर्कल के बाहर, तो बाहर अगर कोई पॉइंट देंगे तो हम सब जानते हैं कि वहां से दो ऐसा लाइन बना सकते हैं जो सर्कल को टच करे, ऐसे लाइंस को टेंजेंट्स को। ऐसा कोई लाइन बनाते हैं जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करे, ऐसे लाइंस को सीकेंट्स बोलते हैं, ऐसे लाइंस को टेंजेंट, और ऐसा लाइंस को नॉन इंटरसेक्टिंग जो सर्कल को कहीं कट नहीं करते। तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर बनाते हैं पी, तो वहां से दो टेंजेंट बनाया जा सकता है सर्कल पे, और ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इनको पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर ए और बी नाम से पुकारे तो पी से ए का दूरी और पी से बी का दूरी बराबर होता है। ये हम आगे भी कर्व्स पढ़ेंगे, जैसे एलिप्स है इसमें भी कोई पॉइंट देंगे तो यहां से ऐसा लाइन बनाइए जो टच करे, तो दो ही बनेगा। सीक्वेंस बहुत सारा बनेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बहुत सारा बनेगा, पर टेंजेंट दो बनेगा इस केस में। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, दिस टेंजेंट और दिस टेंजेंट का लंबाई सेम नहीं होगा। हो सकता है देयर मे बी सम पॉइंट, मे बी ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट का लंबाई सेम मिलेगा कोई भी पॉइंट से, मेजर एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट का लंबाई सेम मिलेगा, लेकिन बाकी किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ डिफरेंट होगा, एक लंबा एक छोटा होगा। बट सर्कल के केस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए बाहर में, वहां से जो दो टेंजेंट बनेगा वो दोनों का लंबाई सेम होगा। कितना लंबा होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमको चाहिए। ये पॉइंट जितना दूर होगा टेंजेंट का लंबाई उतना अधिक होगा, यानी टेंजेंट का जो लंबाई है वो निश्चित रूप से डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट्स पे। कैसे ढूंढेंगे, ऐसे
जिस पॉइंट पे टच किया है टेंजेंट वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा तो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ये सर्कल का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है माइनस जी माइनस एफ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये दूरी पता है रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये लंबाई निकालना है एल। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मस्ट इक्वल दिस स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट को निकाल सकते हैं आसानी से। एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ टेंजेंट निकल गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर, एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर रूट अंडर सी पी और उसका स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बड़ा सुंदर सा एक हैंडसम सा फॉर्मूला आ जाएगा, हम लोग उसको याद करके एक जगह जमा कर लेंगे। एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल ऑफ हो जाएगा, एक प्लस सी रह जाएगा। दिस इज गुड, दिस इज एस एक्स वन कॉमा वाई वन, यानी जो सर्कल का सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन था उसी में x के जगह x1 लिखा हुआ है और y की जगह y, तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। दोनों टेंजेंट का लंबाई सेम होता है l बराबर s x1 कॉमा y1 रूट। फॉर्मूला सब इकट्ठा कर करके हम लोग रख रहे हैं। अगर हम दो सर्कल का इक्वेशन दे दें s1 x कॉमा y इक्वल टू जीरो, एस वन एक सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन, और उसका इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू, कोएफिशिएंट्स डिफरेंट इसका डिफरेंट, तो दो सर्कल का इक्वेशन दे दें। अब हम जानना चाहते हैं इन दोनों सर्कल का रिलेटिव पोजिशन, एक दूसरे के रिलेटिव कैसे पोजिशन है ये दोनों सर्कल। रिलेटिव पोजिशनिंग का मतलब हो सकता है एक सर्कल ऐसा हो और दूसरा सर्कल इस तरह से पोजिशन हो, यानी दोनों एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हो, सकता है एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को टच करता हो, सकता है इंटरनली एक दूसरे को टच करता हो, सकता है नॉन इंटरसेक्टिंग हो, या ऐसा हो सकता है नॉन इंटरसेक्टिंग हो लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर समाया हो, एक दो तीन चार पांच में से कोई एक स्थिति हो सकती। हम जानना चाहते हैं इन दोनों का रिलेटिव पोजिशन कैसे पता लगाएंगे। आप पहला काम करेंगे कि दोनों के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सी वन और सी टू, चलिए तो निकल गया। दोनों का रेडियस निकाल लेंगे आर वन और आर टू, वो भी निकल गया, अब आसान हो गया। ऐसा कब हो सकता है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टेप्स फॉलो कीजिए, इसमें फॉर्मूला नहीं आएगा कुछ वैसा, आपको प्रोसेस जानना है। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का दूरी निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 निकाल लीजिए दोनों सर्कल के रेडियस का सम और दोनों सर्कल के रेडियस में अंतर, सम और अंतर निकाल लीजिए। यहां मॉड नहीं डाले हैं, यहां डाले हैं क्योंकि आप कौन बड़ा है कौन छोटा आई डोंट नो, डिफरेंस निकालना है बिटवीन देयर रेडियस, एक का रेडियस अगर तीन है एक का रेडियस सात है तो डिफरेंस हो गया चार, तो उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए आपको सारा केसेस के लिए एक कंडीशन मिल जाए, अगर C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये लंबाई को अब खाली तुलना करना है, अगर वो एग्जैक्टली R1 प्लस R2 के बराबर हुआ तो इसका मतलब है सर्कल सब इस तरह से पोजिशन है, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। अगर दोनों सेंटर्स के बीच का दूरी यहां से
यहां तक का दूरी है r1 और यहां से यहां तक का दूरी है r2। दोनों का सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक लाइन में है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का दूरी एग्जैक्टली अगर दोनों के रेडियस में जो अंतर है उतना के बराबर अगर है, मतलब अंदर अंदर टच करता है इंटरनली। अगर दोनों सर्कल के बीच सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो r1 प्लस r2 से अधिक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द रेडियस, तो ये कंडीशन है। अगर दोनों के बीच का जो दूरी है वो r1 और r2 में जो अंतर है उससे भी निकट कर दिया, इसको और निकट कर दिया, तो ये कंडीशन है। ये बचाइए, इन दोनों के बीच का जो दूरी है सेंटर का वो जस्ट r1 प्लस r2 होता तो ऐसा होता, थोड़ा निकट कर दिया, यानी दोनों के बीच का दूरी r1 प्लस r2 से कम है, लेकिन इतना भी निकट नहीं किए हैं कि एकदम अंदर समा जाए, यानी उन दोनों के रेडियस में जो अंतर है उससे अधिक है। दिस इज द कंडीशन, ये अब हम लोग को याद रखना है। स्टेप्स याद रखिए, दोनों के सेंटर का कॉर्डिनेट्स निकाल लीजिए, उन दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिए, दोनों का रेडियस निकाल के सम ऑफ द रेडियस निकाल लीजिए एंड डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। सेंटर्स के बीच का दूरी 8 आता है, सम ऑफ द रेडियस मान लीजिए एक सिचुएशन, सम ऑफ द रेडियस आता है 11 एंड डिफरेंस बिटवीन द रेडियस आता है 3। अब इसको देख करके बताना है, ये जो संख्या है वो इन दोनों के बीच में है, 3 से बड़ा 11 से छोटा, बस देखते के साथ समझ जाना है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ये याद कर लेना है। सारे कंडीशंस में एक सर्कल के इक्वेशन को जरा देखिए, कभी हम अगर आपको एक सवाल देते हैं जिसमें कहते हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढिए, तो कितना डेटा देंगे हम तभी जा करके आप एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढ पाए। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म तो ये है, लेकिन हम लोग अननोन्स का जो संख्या दिख रहा है ना कोएफिशिएंट्स इतना सारा, जब भी हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढिए तो आप एबीसी का वैल्यूज ढूंढते हैं। कोई लाइन का इक्वेशन होगा 3x प्लस 5y माइनस 7, कोई का इक्वेशन होगा x माइनस 2y प्लस 11, तो आप ढूंढते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कितना कोएफिशिएंट्स ढूंढना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, तो ऐसा भ्रम हो रहा है कि 3 कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ता है, नहीं 3 नहीं 2 ही ढूंढना है, क्योंकि अगर कोई लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं तो हम इसी को 3 से डिवाइड करके इस लाइन के इक्वेशन को चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, यानी तब 2 ही अननोन था, 2 ही कोएफिशिएंट ढूंढना था, तीसरा नहीं। सो द आइडिया इज आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब कहते थे कि ढूंढिए फाइन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किसी भी सवाल में, तो आपको दो ही डेटा देंगे, जैसे हम दे देंगे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देंगे 5,11 से पास करता है और उसका स्लोप है -1/2, दो डेटा दे दिए, एक पॉइंट दे दिए और एक स्लोप। तीन डेटा देने का जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो होता है एक लाइन के इक्वेशन में वो दो ही होता है, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ अननोन्स। आप जबरदस्ती का किसी लाइन के इक्वेशन को कहें कि ax प्लस by प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 0, किसी लाइन के इक्वेशन को माने, हाँ ये ठीक है चॉइस। अब इसमें लग रहा है कि आपको a b c d e का वैल्यू ढूंढना है, नंबर ऑफ नेसेसरी अननोन्स कितना है, अननेसेसरी है संख्या। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग इसी को रिड्यूस करके y बराबर mx प्लस c फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नेसेसरी अननोन्स एक लाइन के इक्वेशन में दो ही होता है, इसलिए जब भी एक लाइन का इक्वेशन कहते हैं कि ढूंढिए तो दो ही डेटा दिया जाता है। उसी प्रकार एक सर्कल का इक्वेशन कभी भी कहें कि ढूंढिए तो कितना डेटा हमको देना जरूरी होगा, तो वो इसी क्वेश्चन को देख करके हम समझ सकते हैं कि कितना नेसेसरी कितना है अननोन्स। 3 एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का और कॉन्स्टेंट टर्म। कोई अगर आर्ग्यू करे कि सर्कल का इक्वेशन तो कुछ ऐसा होता है जनरल, तो देखने में लग रहा है अब 1, 2, 3, 4 अननोन्स, यहां पर हम चाहें तो इसको घटा सकते हैं ना अननोन्स की संख्या को, ये झूठ मूठ का, तो नेसेसरी नंबर ऑफ अननोन्स 3 ही है,
यानी जब भी हम कहेंगे कि एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढिए, तो हम तीन बात आपको बताएंगे क्या क्या डेटा दे सकते हैं। जैसे हम एक सवाल पूछ सकते हैं तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आ कहे कि एक सर्कल बनाइए जो इन तीनों से पास करता है, यूनिक सर्कल है, एक ही सर्कल एग्जिस्ट करता है जो तीनों से पास करे, कैसे ढूंढेंगे। ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जो पढ़े थे तो इस बात को हम लोग पढ़ चुके थे। कोई भी तीन पॉइंट अगर देते हैं ना नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं होना चाहिए, तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल डेफिनेटली एबीसी, और हम इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढने बोल रहे हैं। यानी आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना होगा जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, वही पॉइंट हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर। और जब वो पॉइंट ढूंढ लेंगे तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो हो जाएगा सर्कल का रेडियस। जैसे ही सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाले आप इक्वेशन तुरंत लिख पाएंगे। यही हम लोग सीखा है, सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए जब भी कहें तो जब तक आप उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स नहीं ढूंढ लेते हैं और रेडियस नहीं ढूंढ लेते हैं आप इक्वेशन नहीं लिख पाए। स्ट्रेट लाइन में क्या था कि जब तक एक पॉइंट मालूम नहीं हो और स्लोप, तब तक आप लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते। हम 2.4 भी जब देते थे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, उसमें भी यही करते थे, स्लोप निकाल लेते थे, और y-y1 = slope (x-x1). आप स्लोप दिए नहीं लेकिन दो पॉइंट दे दिए, तो स्लोप निकाल लिए हम y2-y1/x2-x1। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए जरूरी होता है कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और उस लाइन का स्लोप। सर्कल का इक्वेशन लिख पाने में आप तभी सक्षम होंगे जब आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो। हम चाहे कोई सवाल पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस देंगे, हर सवाल एक ही जैसा होता है। आपको सारा ध्यान लगाना है उस सर्कल का सेंटर और रेडियस ढूंढने में। जैसे इस सर्कल का सेंटर अगर आप कैसे ढूंढेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कॉर्ड है इस सर्कल का। कोई भी सर्कल में टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, या सीकेंट भी बोलते हैं। सीकेंट जनरली पूरे लाइन को बोलते हैं, कॉर्ड टुकड़ा को बोलते हैं। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस कॉर्ड का, वो तो सर्कल के प्रॉपर्टी के अनुसार उसके सेंटर से पास करता हुआ गुजरेगा। तो अगर आप एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख पाए, और कोई और एक एबी का तीसरा लिखने का जरूरत नहीं है, फिर दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लें, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ढूंढ लें (x1+x3/2, y1+y3/2), इस लाइन का स्लोप निकाल लें (y1-y3/x1-x2)। जब इसका स्लोप निकल जाएगा तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1/n, अगर इसका स्लोप है -2 तो इसका स्लोप होगा ½। अब तब इस लाइन का इक्वेशन निकालने, जब एक पॉइंट मालूम हो गया और स्लोप मालूम हो गया, एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन सिमिलरली लिखते हैं, फिर दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए। जैसे लाइन में भी यही किया था ना, तरह तरह के सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार कर लिए थे अपने आप को। दो तो इंटरसेप्ट दे दीजिएगा तो लाइन का इक्वेशन खट से लिख देंगे, स्लोप दे दीजिएगा एम और वाई इंटरसेप्ट सी तो लाइन का इक्वेशन तुरंत लिख लेंगे। उसी तरह से सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे, अगर आपको सेंटर मालूम हो गया कहाँ है और रेडियस कितना, आप तुरंत लिख लें। एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, दो पॉइंट हम दिए हैं जहां से पास करता है, (x1, y1) और (x2, y2) से पास करता है। हम सब जान चुके हैं अब कि दो पॉइंट से पास करता हुआ यूनिक सर्कल नहीं संभव है, अनगिनत। तीन पॉइंट दीजिएगा तो यूनिक, हम साबित कर सकते हैं दो पॉइंट से अनगिनत सर्कल बनेगा। हम इन दोनों को अगर डायमीटर ले लें और एक सर्कल बनाए, ये एक विकल्प। दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, और बड़ा सर्कल बना सकते हैं, पांचवा विकल्प, छठा विकल्प,
हम अनगिनत सर्कल बना सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट दे दें, आप अनगिनत सर्कल बना सकते हैं उस पॉइंट से गुजरता हुआ। हम दो पॉइंट दे दें तो भी आप अनगिनत सर्कल बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा अनुशासन है इसमें और इसमें। इसमें जितना भी सर्कल्स आप बना पा रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इन सब का सेंटर्स एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और इतना रेडियस का हम एक सर्कल बना लिए। हम अगर दूसरा पॉइंट ले लें यहाँ, और इतने रेडियस का एक सर्कल बना लें, तो दोनों पॉइंट से गुजर जाएगा। द आइडिया इतना ही रखा कि इन दोनों पॉइंट से गुजरना चाहिए। अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लें, इतना रेडियस का एक सर्कल बनाएं, तो वो दोनों पॉइंट से गुजरेगा, एक और सर्कल बन जाएगा। हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं। ये प्रक्रिया देखना जरूरी था कि हम सर्कल किस तरह से बनाए। एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम अनगिनत पॉइंट ले सकते हैं। अगर यहीं पे ले लेते एक पॉइंट, तो इतना रेडियस का हम एक सर्कल बनाते। ये वाला सर्कल सबसे छोटा सर्कल, और जैसे जैसे पॉइंट दूर और दूर लेते जाइएगा, सर्कल और बड़ा और बड़ा होता है। हाँ, अगर आपसे हम कहते कि लाइन ज्वाइनिंग एक ऐसा सर्कल बनाइए जो ए और बी से पास करता हो, और स्मॉलेस्ट साइज पॉसिबल, तब सर्कल यूनिक हो गया। क्योंकि तब हम मीन कर रहे हैं कि जिसका डायमीटर हो ए बी, उस सर्कल बनाने बोल रहे हैं। तो अब तीन बात बोल दी, ए से पास करता है, बी से पास करता है, और सबसे छोटा भी है। जब तक तीन बात नहीं बताएंगे, सर्कल यूनिकली नहीं बनेगा। तो तीसरा बात हम बताएं कि वो सबसे छोटा, जिससे आप निष्कर्ष निकाल लिए कि अच्छा, जिसका डायमीटर होना चाहिए ए बी, अब आसान हो गया, क्योंकि अब उसका सेंटर समझ गए आप। ए और बी का जो मध्य है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यही सर्कल का सेंटर हो गया। और ए और बी के बीच का जो दूरी है, उसका आधा कर दीजिए, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर रूट अंडर इंटू हाफ, इतना रेडियस हो गया। तो जब तक ये तीसरा बात नहीं बोलेंगे, आप एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगा, यूनिक सर्कल तो नहीं बनेगा। अगर हम तीन पॉइंट दे दें, अब यूनिक सर्कल बनेगा। यूनिक सर्कल तभी बन पाएगा ना, जब आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ पाए जो तीनों से बराबर दूरी पर है। ढूंढ लेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा। आप ऐसा पॉइंट चाहते हैं ना जो तीनों से बराबर दूरी पर हो, जिस भी पॉइंट। अब यहां पे से ये और ये बराबर है, और यहां से ये और ये बराबर है, तो तीनों बराबर हो गया। और अगर तीनों बराबर हो गया तो दिस इज द पॉइंट जो आप खोज रहे हैं, सर्कल तैयार। और हम चार पॉइंट दे देंगे अगर कभी, तब आपसे कहेंगे नहीं कि सर्कल का इक्वेशन ढूंढिए, कहेंगे कि जरा चेक करके बताइए कि चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करता है कि नहीं। हो सकता है कि इन तीनों से पास करता हुआ एक सर्कल बने, वो तो बनेगा ही। किसी भी तीन पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है, वहां से पास करता हुआ एक यूनिक सर्कल तो बनेगा ही। अब चौथा पॉइंट उसी सर्कल पे लाई करेगा कि नहीं, चेक कीजिए। अगर लाई करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक। ऑल दी फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। जैसे वहां पर तीन पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में लाई करता हो तो कोलिनियर बोलते हैं, यहाँ चार पॉइंट अगर एक ही सर्कल पे लाई करें तो उसको हम लोग कॉन्साइक्लिक या सेल्फ साइक्लिक बोलते हैं, एक साइक्लिक के पहिया पे लाई। तो हम चार पॉइंट देखिए, आपसे ये नहीं कहेंगे कि सर्कल का इक्वेशन ढूंढिए, कहेंगे कि चेक कीजिए वेदर दी फोर पॉइंट्स आर साइक्लिक और नॉट। तो आप उसमें से किसी भी तीन पॉइंट को लेकर के, अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई तीन, एक सर्कल का इक्वेशन लिख लें, आप उस इक्वेशन में चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डाल के चेक कर सकते हैं साइक्लिक होगा कि नहीं। अभी हमको एक सवाल बनाना है कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको हम देंगे सवाल में, और कहेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स सच दैट ए बी इज इट्स डायमीटर। तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अभी बताए तो, लेकिन इससे थोड़ा हैंडसम तरीका सीखना। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए, एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू, और डायमीटर होना चाहिए, ऐसा सर्कल बनाइए,
उसका इक्वेशन लिखिए। तो पहले ये कन्विंस्ड हो जाइए कि हाँ अब तीन बात बता दिया गया है, सर्कल हम बना लेंगे यूनिकली। तो ये यूनिक है, कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन? एक तरीका बताया आपको, थोड़ा हैंडसम तरीका बता रहे, कोई भी पॉइंट लीजिए इस कर्व पे कोऑर्डिनेट्स एच के, जैसे निकालते हैं लोकस का हर सवाल। अब ई को अगर हम बी से ज्वाइन करें, पी को ए से ज्वाइन करें, तो हम सर्कल का एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा। द डायमीटर ऑफ द सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। यहां भी कोई पॉइंट है तो ये एंगल 90 होगा, यहां भी 90 डिग्री। सर्कल की प्रॉपर्टी को याद दिला दें, कोई भी कॉर्ड अगर बनाते हैं अदर देन द डायमीटर, डायमीटर उसका सबसे लंबा कॉर्ड होता है, सेंटर से जितना दूर बनाइएगा कॉर्ड उतना छोटा होगा और जितना निकट उतना बड़ा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। मैंने आपसे कोई पूछा ना कि डायमीटर किसको बोलते हैं, आप यही बोलिएगा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, या एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर को डायमीटर बोलते हैं। तो अगर डायमीटर के अलावा कोई कॉर्ड ले, ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है, सेगमेंट्स बोलते हैं, एक बड़ा सेगमेंट और एक छोटा सेगमेंट, मेजर और माइनर बोलते हैं इनको। तो इस तरफ किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है ये कॉर्ड, उससे सेंटर पे जितना सबटेंड करता है उसका आधा, ये थीटा 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 होगा एट एवरी पॉइंट, और सेंटर पे सबटेंड करेगा टू थीटा, और माइनर सेगमेंट पे वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा हर पॉइंट पे। यानी ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलैटरल उस अपोजिट एंगल्स जो है कॉर्ड के उस पार और इस पार का सम 180 होगा। यही कॉर्ड जब सेंटर से पास करता है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड करता है, क्योंकि वो कॉर्ड अब सेंटर पे कितना सबटेंड करता है, जैसे जैसे कॉर्ड को निकट कीजिए तो सेंटर पे वो कॉर्ड का ओर और छोर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 180 डिग्री सबटेंड करता है, तो वो सर्कमफेरेंस पे हर जगह 90 डिग्री सबटेंड करना शुरू कर देता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग को याद है, हर पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस पे होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यहां वहां हर जगह। तो हम स्लोप ऑफ लाइन पीए, स्लोप ऑफ पीए मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ पीबी इक्वल टू -1 होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है दो स्ट्रेट लाइंस से। तो स्लोप ऑफ पीए लिख लीजिए के माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स वन इंटू के माइनस वाई टू बटे एच माइनस एक्स टू मस्ट इक्वल टू -1। एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये ज्योमेट्री है, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक तरफ ऐड कर दें, इधर के माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू प्लस एच माइनस एक्स वन टाइम्स एच माइनस एक्स टू, दिस इंटू दिस है, डिनोमिनेटर में दिस इंटू दिस है, इधर मल्टीप्लाई किए, एक तरफ इकट्ठा किए, एंड अब लास्ट में एच के जगह एक्स और के जगह वाई। सो यू हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टाइम्स वाई माइनस वाई टू। ये हम लोग रटेंगे, जैसे एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो पास करता है 2.5 पॉइंट से और -1.1 पॉइंट से ए बी, और उसका डायमीटर होना चाहिए, इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए। हम तुरंत देखिए लिखेंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन टाइम्स y माइनस वाई टू बराबर जीरो। इसको चाहे तो हम फैला सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स वाई प्लस, यहां पे माइनस टू है अब प्लस फाइव है तो थ्री बराबर जीरो। इस सर्कल का सेंटर 0.5, 3 और रेडियस रूट अंडर 1/4 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 6, 6 प्लस 1/4 25/4 यानी 5/2।
एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं, इसका सेंटर होना चाहिए दिस प्लस दिस बाई टू मिड पॉइंट यानी हाफ, और दिस प्लस दिस बाई टू यानी थ्री, सो इट इज करेक्ट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, फाइव माइनस वन फोर का स्क्वायर, ए बी ए से बी का दूरी निकाल रहे हैं, टू माइनस माइनस वन थ्री का स्क्वायर पांच आया, और पांच का आधा रेडियस होना चाहिए, सो इट इज करेक्ट। अगर हम ऐसा इक्वेशन आपको दे दें कभी भविष्य में, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस फाइव इक्वल जीरो, ऐसा एक इक्वेशन दिया, इसको देखते के साथ पहले समझ जानना है कि सर्कल है बिना कुछ किए भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है वाई स्क्वायर का टर्म, कोएफिशिएंट सेम है, यहां अगर हम टू एक्स लिख देते अब कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा, अभी सर्कल नहीं बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू होगा या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होगा, सो अभी तो ये सर्कल है, देखते के साथ समझ गए एक्स वाई टर्म नहीं है, अब यहाँ पे एक्स माइनस टू वाई लिखना होगा इंटू एक्स प्लस वन, तो गुना कीजिएगा तो एक्स वाई टर्म आ जाएगा, तब ये सर्कल नहीं होता, तो इसको देख के समझ गए कि ये सर्कल है। इस सर्कल पे हम माइनस वन कॉमा वन और टू कॉमा फाइव दो पॉइंट हमको दिख रहा है जो इस सर्कल पे लाई करता है, और ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है पक्का, लेकिन अगर हम माइनस वन कॉमा फाइव लिखे और टू कॉमा वन ऐसा एक जोड़ा पॉइंट दें, तो क्या ये दोनों पॉइंट भी इस सर्कल पे लाई करता है, और क्या ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है कि नहीं? हाँ है ना, ये एक जोड़ा पॉइंट देते हैं और इसको डायमीटर मानते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखिए, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू सेम आएगा, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू सेम आया है, यहाँ y माइनस वन इंटू वाई माइनस फाइव है, यहाँ y माइनस फाइव इंटू वाई माइनस वन, डायमेट्रिकली अपोजिट बहुत सारा पॉइंट्स होता है किसी भी सर्कल पे, लेकिन इस इक्वेशन को देखते के साथ आप दो जोड़ा तो लिख ही सकते हैं। एक सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, सर्कल का रेडियस अगर ए है, ये पॉइंट को हम उसके सेंटर से ज्वाइन करता है एक लाइन, अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा तो हम इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, थीटा इज अ वेरिएबल हियर, थीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेगा इसी सर्कल पर, सर्कल का इक्वेशन ऐसा लगेगा देखने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, परंतु इसी कर्व का इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए इक्वेशन जब लिखते हैं ना किसी कर्व का उद्देश्य क्या होता है, अगर हम ऐसा इक्वेशन लिख दिए तो मेरा उद्देश्य है कि अब आप इसका चित्र बना लेंगे, इसको y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए, अब हम इसमें देख लिए कि x का वैल्यूज हम माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में डाल सकते हैं, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर को एक पॉजिटिव नंबर होना होगा स्क्वायर रूट के अंदर, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू नौ से छोटा होना होगा, यानी x का वैल्यू माइनस तीन से तीन के बीच में लाई करेगा, अब हम इसमें वैल्यूज डालते चले जाएंगे, माइनस तीन से डालेंगे कैलकुलेट कर लेंगे y का वैल्यू जीरो आया, फिर माइनस टू पॉइंट नाइन डालेंगे y का दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस, और इन सारे वैल्यूज को प्लॉट करते जाएंगे x इक्वल टू माइनस थ्री से x इक्वल टू प्लस थ्री के बीच में, वर्टिकल लाइन को हम शिफ्ट करते जाएंगे, और हर वर्टिकल लाइन ये माइनस थ्री है ये माइनस टू पॉइंट एट है, अब डालिए इसमें कैलकुलेट करेंगे दो y कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देंगे, फिर माइनस टू पॉइंट सेवन फिर प्लॉट कर देंगे x इक्वल टू जीरो डालिएगा तो प्लस माइनस थ्री आ जाएगा, और तब हमको इन सब डॉट्स को ज्वाइन करके चित्र बना देंगे। यही उद्देश्य है, इक्वेशन देने का उद्देश्य है कि आप चित्र को बना लें इससे, और कैसे, ऐसे एक्स का वैल्यू डालिए वाई का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वर्टिकल लाइन घिसकाइए फिर कैलकुलेट कीजिए, लोकेट द डॉट्स ज्वाइन द पॉइंट्स। हम इसी कर्व के इक्वेशन को इस रूप में देने के बजाय इस रूप में भी लिख सकते थे, एक्स इक्वल थ्री कॉस थीटा एंड वाई बराबर थ्री साइन थीटा, थ्री रेडियस का सर्कल है, इसमें थीटा इज अ वेरिएबल,
थीटा के वैल्यूज को वैरी करते जाइए, एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल का पोलर कोऑर्डिनेट्स है 3, θ, 3 फिक्स्ड है, तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, जो पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ते वक्त पढ़ते हैं। अगर किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स है r, θ और पूछ दें कि उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताइए रेक्टेंगुलर, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये नंबर कितना आएगा, तो आप जवाब देंगे r cos θ और r sin θ, यानी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r θ, और कार्टेशियन में लिखने के लिए कह देंगे तो आप उसका x और y निकाल लेंगे। उल्टा भी अगर हम किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे दें x और y, यानी हम ये संख्या और ये संख्या दे दें और उसका पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोले, तो रूट अंडर x² + y² उसका दूरी होगा और एंगुलर पोजीशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y/x। तो ये कार्टेशियन से पोलर और ये पोलर से कार्टेशियन, तो इसी सर्कल का इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 cos θ एंड y कोऑर्डिनेट होगा 3 sin θ, वेयर थीटा इज एनी रियल नंबर बिटवीन -∞ to +∞। ऐसा लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे आप उसी सर्कल का इक्वेशन लिखे हैं, वो दिस इक्वेशन सर से। हाँ, अंतर यह है एक्सप्रेस करने के तरीका में। अब हम अगर ऐसा इक्वेशन दें और कहें कि चित्र बनाइए, आप थीटा का वैल्यू डालेंगे, कोई वैल्यू 0 डालें, दोनों में एक जोड़ा नंबर लाए 3 cos 0, 3 sin 0, अब थीटा का वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिए 0.1 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, या मत भी कीजिए डाल दीजिए, फिर एक दूसरा पॉइंट आएगा 3 cos 0.1 degree, 3 sin 0.1 degree, ये पक्का उसी सर्कल पे है। फिर थीटा का वैल्यू 0.2, 0.3 कर करके आप कर्व को प्लॉट करेंगे तो वही सर्कल मिलेगा, जो इस रिलेशन से बनेगा चित्र, वही चित्र बनेगा इस रिलेशन से। दोनों में अंतर ये है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं है। x हम आपको दिए हैं एज सम फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल एंड y कोऑर्डिनेट अलग से बताए हैं एज अ फंक्शन ऑफ द सेम वेरिएबल, दोनों में थीटा का वैल्यू डालिए एक डॉलर नंबर में, दैट इज द डिफरेंस। अगर इन दोनों में से हम इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें तो हम x और y में संबंध निकाल सकते हैं, जैसे यहां से cos थीटा बराबर लिख दें x/3 और sin θ y/3, दोनों को स्क्वायर करके एड करें जिसका वैल्यू 1 होना ही चाहिए, तो x² / 9 + y² / 9 = 1, यू गेट द सेम इक्वेशन। इस तरह से जब लिखते हैं इस इक्वेशन को तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें थीटा को बोलते हैं पैरामीटर, यानी हम x और y में संबंध देने के बजाय x को एक्सप्रेस किए एज फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर थीटा, पैरामीटर बोलते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट अलग से बताए हैं एज ए फंक्शन ऑफ द सेम पैरामीटर। तो इस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर पूछे क्या है तो ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन, x = a cos θ एंड, यानी दो इक्वेशन बताना पड़ता है। इस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, देखिए कोई और सर्कल बना दिए हैं जिसका सेंटर है 4, 6 और रेडियस है 2, छोटा सर्कल है 4 रेडियस, ये 4 है और ये 6, अगर 4 रेडियस का बनाते तो जस्ट टच करता वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, 6 रेडियस का बोलते तो जस्ट टच करता एक्स एक्सिस को, अब ओरिजिन से पास कब करता, अगर हम रूट अंडर 6² + 4² 36 + 16 52 रेडियस का सर्कल बोले कि बनाइए तो आप जस्ट ओरिजिन से पास करते, एकदम छोटा सर्कल दिए हैं 2 रेडियस का। इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए कार्टेशियन फॉर्म में और उस सर्कल का इक्वेशन लिखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आप इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया x - 2² = 4² और y - 6² = 2², ये है इस सर्कल का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वो इसी से सीखना है, हम इस सर्कल के लिए ये इक्वेशन लिखे हैं, ये इक्वेशन सेम है, तो देखिए हम x के जगह a cos θ लिखे और y के जगह a sin θ,
जो कि सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन को फॉर एनी थीटा, ये पेयर ऑफ नंबर्स निश्चित रूप से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वॉट एवर बी दी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां भी वही करते हैं, अगर यहां पे 2 cos थीटा लिखा हो, x माइनस 4 के स्थान पे 2 cos थीटा और y माइनस 6 के स्थान पे 2 sin थीटा, यानी x बराबर 4 प्लस 2 cos थीटा एंड y बराबर 6 प्लस 2 sin थीटा, ये हुआ इस सर्कल का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यानी इस सर्कल पे अगर हम कहें कि कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जरा लिखिए, तो मैंने ऐसा लिखिए जिसको देख के समझ जाए कि ये पक्का इस सर्कल पे लाइक, खाली एच के लिख दीजिएगा तो हम नहीं समझेंगे। हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहीं लेट कैपिटल पी एच कॉमा के बी सम पॉइंट, इतना से हम नहीं समझ पाएंगे कि आप इस सर्कल पे लाइक करता हुआ कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 4 प्लस 2 cos थीटा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं 6 प्लस 2 sin थीटा, हम समझ जाएंगे कि ये इस सर्कल पे लाइक करता है। तुरंत हम x बराबर इतना लिखेंगे, y बराबर इतना, और दोनों में से थीटा एलिमिनेट करके हम साबित कर देंगे कि ये सर्कल पे लाइक करता है। इसको x माइनस 4 बाई 2 बराबर cos थीटा और y माइनस 6 बाई 2 बराबर sin थीटा। और चूंकि cos थीटा sin थीटा एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉइंट जो आप दे रहे हैं, हम नहीं बताएंगे आपको कि एक सर्कल पे लाइक करता है एक पॉइंट पी, हम कहेंगे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स ये है, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स कुछ लिख रहे हैं 2t + 3, t - 1, वेयर t इज एनी रियल नंबर। आपको समझ जाना है कि ये कौन सा कर्व पे लाइक करता है। x कोऑर्डिनेट हम बोले हैं 2t + 3 होना चाहिए एंड y कोऑर्डिनेट t - 1। अगर इन दोनों में से हम इस पैरामीटर t को एलिमिनेट कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि कौन से कर्व का बात कर रहे हैं। हम यहां से x माइनस 3 बाई 2 और यहां y प्लस 1 दोनों को इक्वेट कर दें, तो आप तुरंत समझ गए कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे लाइक करता हुआ पॉइंट का बात कर रहे हैं, उसका इक्वेशन को हम सरिया भी सकते हैं। तो एक सर्कल पे जनरल पॉइंट कभी कहें कि चुनिए, तो अगर इस सर्कल पे कभी हम कहें कि एक पॉइंट चुन के बताइए, ऐसा चुनिए आप अगर एच के लिखते तो लिखना पड़ता ना वेयर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, उससे बढ़िया है ई चुन लीजिए, वेयर थीटा इज एनी रियल नंबर। अब ये बताने का आपको आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसे पॉइंट का बात कर रहे हैं जो इस सर्कल पे लाइक करता है, और अगर सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा पे हो और रेडियस ए हो, अब इस सर्कल पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट चुनना हो तो कैसे चुनना चाहिए। देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये ए, अगर ये एंगल थीटा आप मानते हैं, ए ना वेरिएबल है अलग अलग पॉइंट का एंगल, तो ये ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, तो इसका बेस्ट चॉइस है एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस ए कॉस थीटा, अल्फा प्लस ए कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट बीटा प्लस ए साइन थीटा। आई कैन चेक ये इसी सर्कल का बात कर रहे हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। कैसे चेक करेंगे, x बराबर लिख दीजिए अल्फा प्लस a cos थीटा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को हम यही लिखे एंड y कोऑर्डिनेट हम दिए हैं बीटा प्लस a sin थीटा, वेयर थीटा इज एनी रियल नंबर। यानी थीटा को वेरी करते जाइए और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलता जाएगा, इसी सर्कल पे मिलेगा प्रूफ की। एलिमिनेट कर दीजिए थीटा को, x माइनस अल्फा बराबर a cos थीटा, y माइनस बीटा बराबर a sin थीटा, स्क्वायर और ऐड कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी थीटा कुछ भी रहे ये बात सत्य होगा। यहीं पे समाप्त करते हैं।